विद्यार्थियों, आज हम डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स के बारे में लेक्चर फॉर बीकॉम पार्ट सेकंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपके समक्ष रख रहे हैं। विद्यार्थियों, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट प्रकटीकरण पत्रों में जिन भिन्न भिन्न पक्षों का हित होता है उन्हें अलग अलग प्रकार की सूचनाएं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, लेनदारों की रुचि चिट्ठे में दर्शाई हुई चालू संपत्तियों एवं दायित्वों में होती है, जबकि प्रबंधक चिट्ठों में प्लांट के मूल्य को तथा लाभ हानि खाते में आय व्यय के विवरण को अधिक महत्व देते हैं। अंशधारियों, जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, का हित चिट्ठों से स्थिर दायित्वों और पूंजियों की संरचना में अधिक होता है तथा लाभ हानि खाते में आय के विवरण में अधिक होता है। विद्यार्थियों, ये महसूस किया गया है कि कोई भी विवरण पत्र ऐसा नहीं हो सकता जो सभी पक्षों को संतुष्ट कर सके। इसके लिए हमारे जो अकाउंट्स रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं उनका सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवरण पत्र तैयार किए जाने चाहिए तथा विवरण पत्र सामान्य उपयोग के उद्देश्य से तैयार किए जाने चाहिए। प्रकटीकरण के दो प्रकार है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स को दो भागों में बांट दिया गया है। नंबर वन, जिसको हम स्टैचुअरी डिस्क्लोजर कहते हैं, और दूसरा वॉलंटरी डिस्क्लोजर। स्टैचुअरी डिस्क्लोजर वो डिस्क्लोजर होता है जो कंपनी अधिनियम अथवा अन्य अधिनियम के अंतर्गत संस्था के अंतिम खातों में जिन बातों को प्रकट करना अनिवार्य है उसको स्टैचुअरी डिस्क्लोजर वैधानिक प्रकटीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इसको समझने की हम कोशिश करेंगे तो चिट्ठा सारांश अथवा कंपनी का सामान्य व्यवसाय विवरण, ऊर्जा का संरक्षण आदि इसमें सम्मिलित होता है। इसके अतिरिक्त वॉलंटरी डिस्क्लोजर, जिसको ऐच्छिक प्रकटीकरण कहते हैं, इसके अंतर्गत प्रगतिशील कंपनियां अपने शेयर होल्डर या अंशधारियों को स्वेच्छा से अधिक सूचनाएं प्रदान करती हैं जो वैधानिक दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली या एथिकली उनको आवश्यकता नहीं होती है, परंतु तब भी हम अपने अंशधारियों के हित को ध्यान में रखकर कंपनियां उनके कहने पर ऐसे सूचनाएं प्रकट करती रहती हैं जिससे कि उस कंपनी के बारे में उनको सही सही जानकारी प्रदान की जा सके। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कंपनी का एडवोकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है। हमारा फाइनेंशियल रिव्यू अगर लास्ट ईयर हुआ है उसकी प्रगति क्या है। हमारे रिसोर्सेज और कंपनी का लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी रेशियो क्या है।
हमारे कंपनी के अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको मानव संसाधन विकास भी कहते हैं, के बारे में कौन सी प्रमुख सूचनाएं हैं, तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कंपनी द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख। ये सब बातें वॉलंटरी डिस्क्लोजर के अंतर्गत आते हैं। स्टैच्युटरी डिस्क्लोजर की सूचना प्रदान करना हर कंपनी का दायित्व है, परंतु वॉलंटरी डिस्क्लोजर ये उनके प्रबंधकों पर आधारित हैं कि वो उन सूचनाओं को किस फॉरम में अपने अंशधारियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। डिस्क्लोजर की जहाँ तक विधियाँ हैं, उसमें तीन प्रकार की विधियों पर हम बात कर सकते हैं। एक कि बैलेंस शीट को बनाना, दूसरा इनकम स्टेटमेंट का बनाना तैयार करना, और तीसरा अन्य विवरण पत्र। अब जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो किसी भी कंपनी के अंतिम दिन की आर्थिक स्थिति का ये चित्र है। इसके दो पक्ष होते हैं, एक संपत्ति पक्ष और एक दायित्व पक्ष। संपत्ति पक्ष को हम एसेट्स और दायित्व को हम लायबिलिटीज का रूप देते हैं। हर कंपनी साल के अंत में बैलेंस शीट बना देती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपका लायबिलिटीज और एसेट्स साइड में राइट हैंड साइड में आपका एसेट्स दर्शाया जाता है। विद्यार्थियों, अगर हम टी फॉर्मेट बैलेंस शीट इन लिक्विडिटी फॉरम की बात करेंगे, तो इसमें चार कॉलम्स होते हैं, लायबिलिटी कॉलम, अमाउंट कॉलम, एसेट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। लायबिलिटीज के अंतर्गत हम बिल्स पेएबल, सैंडरी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टेम्परेरी लोन, लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल, कैपिटल को हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, कैपिटल को हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लेस ड्राइंग्स। इसके अलावा भी अगर कोई लायबिलिटीज में विशेष विवरण में दिया गया है, उसको भी हम उसमें सम्मिलित करते हैं। जहाँ तक एसेट्स का सवाल है, तो एसेट्स में हमारे संस्था में कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, करंट इन्वेस्टमेंट कितने हैं, अन एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस जिसको हम प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं वो कितने हैं, बिल्स रिसीवेबल कितने हैं, हमारे पास सैंडरी डेटर्स कितने हैं, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास कितने हैं, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स कितने हैं, व्हीकल्स कितने हैं, हमारे पास फ्री होल्ड प्रिमिसेस का वैल्यूएशन क्या है, हमारे पास गुडविल का है। ये प्रमुख बातें हैं बैलेंस शीट में जिसको दर्शाया जाता है। और एसेट्स क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम कहते हैं इक्विटी, और दूसरे शब्दों में हम कहते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम इक्विटी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। विद्यार्थियों, हमको ये भी समझना चाहिए कि जो आय विवरण पत्र है, जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, ये आय विवरण से तात्पर्य व्यावसायिक कार्यों के परिणाम का विवरण पत्र है। इस विवरण पत्र में मोटे रूप में लाभ हानि का विवरण पत्र अथवा लाभ
हानि खाता अथवा आय व्यय खाता नाम से संबोधित किया जाता है। इस विवरण पत्र के दो भागों में विभाजित कर व्यापार का लाभ हानि खाते तैयार किए जाते हैं। व्यापार खाता अवधि में व्यवसाय के कमाए गए सकल लाभ, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट, या सकल हानि जिसको हम ग्रॉस लॉस को प्रकट करता है और दर्शाते हैं, जबकि लाभ हानि खाता लेखा अवधि को कमाए गए शुद्ध लाभ अथवा शुभ हानि को प्रकट करता है। अतः ये खाता खातों की श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसमें भी चार कॉलम्स होते हैं, एक पर्टिकुलर्स, एक अमाउंट, ये डेबिट साइड में होता है, और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इसकी प्रविष्टियों के लिए पहला ओपनिंग स्टॉक, हमारे संस्था का ओपनिंग स्टॉक कितना है, हमारे परचेजेस कितने हैं, उस परचेज में हम परचेज रिटर्न लेस करते हैं, जो परचेज हमने प्राप्त किए मगर कुछ परचेज हमारे डिफेक्टिव निकले हमने उन परचेजेस को वापस किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, वेजेस कितने हैं, कैरेज एंड कार्ट्रेज का कॉस्ट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस साल के कितने हैं, कोल वाटर गैस कितना है, फैक्ट्री लाइटिंग पर एक्सपेंसेस कितने हैं, फ्यूल एंड पावर के एक्सपेंसेस कितने हैं, मोटिव पावर के एक्सपेंसेस क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी एंड फ्रेट के एक्सपेंसेस क्या है, वेज एंड सैलरी पर कितना खर्चा हुआ है, ऑक्ट्रॉय बिल कितना भरा है, आजकल GST कितना हमने जमा किया है, फैक्ट्री वर्कशॉप रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितने दिए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जो लास्ट में देखा जाता है वो, या नेट प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट उसको लास्ट में दर्शाया जाता है। ये सब प्रविष्टियाँ डेबिट साइड में होती हैं, जबकि क्रेडिट साइड की प्रविष्टियाँ जो उसमें सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, जो लोगों ने हमको माल वापस किया को उनको सेटिस्फैक्ट्री माल नहीं प्राप्त हुआ है, वो टोटल सेल्स में सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है और ग्रॉस लॉस जो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इफ नेट रिजल्ट इज द ग्रॉस लॉस, तो ऐसे प्रविष्टि को हम इनकम स्टेटमेंट या आय विवरण पत्र में दर्शाते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और भी प्रविष्टियाँ आ जाती हैं डेबिट साइड में, जिसको हम ऑडिट फीस भी कहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, अपकीप ऑफ ऑफिस बिल्डिंग्स, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस बाय फायर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, लॉस बाय थेफ्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स एक्सपेंसेस, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स, इंश्योरेंस, कैरेज आउटवर्ड्स, पार्किंग चार्जेस, सेलिंग एंड एक्सपोर्ट चार्जेस, गोडाउन रेंट, बैड डेट्स, सेल्समैन्स कमीशन, एक्सपेंसेस एंड कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड के प्रॉफिट लॉस में दर्शाया जाता है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस रिसीप्ट्स, डिविडेंड इनकम ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट इनकम ऑन डिबेंचर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब क्रेडिट साइड की प्रविष्टियाँ हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में दर्शाई जाती हैं। विद्यार्थियों, जब हम अदर स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिनको अन्य विवरण पत्र कहते हैं, अन्य विवरणों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकटीकरण आते हैं जो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। नंबर 1,
कंपनी अधिनियम की धारा 217(2)(a) के अंतर्गत कर्मचारियों के संबंध में विवरण पत्र। मैं इसको दोहराऊंगा, कंपनी अधिनियम की धारा 271 सबसेक्शन 2A के अंतर्गत कर्मचारियों के संबंध में विवरण पत्र। दूसरा पॉइंट, कंपनी अधिनियम की 217 सबसेक्शन ई के अंतर्गत ऊर्जा के संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के संबंध में प्रपत्र ए फॉर्म ए में सूचना देना अनिवार्य हो जाता है। तीसरा, कंपनी अधिनियम की धारा 217 के अंतर्गत संचालकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण पत्र डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देना भी आवश्यक हो जाता है। चौथा, अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेशन के संबंध में जितने भी सूचनाएं हैं वो हमको देना भी आवश्यक हो जाता है। ये भी डिस्क्लोजर के अंतर्गत ही आता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, इसका भी उल्लेख करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको रोकड़ प्रवाह विवरण भी कहते हैं, इसका भी हमको इस संबंध में सूचनाएं प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। तो विद्यार्थियों, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत जो भी सूचनाएं कही गई हैं, जिसमें स्टैचुअरी डिस्क्लोजर भी है, जिसमें वॉलेंटरी डिस्क्लोजर भी है, तो इन दोनों को हमको जितने भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जो ग्राहक हो, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, चाहे वो बोर्ड मीटिंग्स में कोई सूचना है या अंशधारी है, उनको विभिन्न समय पर स्टैचुअरी डिस्क्लोजर और वॉलंटरी डिस्क्लोजर के माध्यम से कंपनी के सारे ही जो अकाउंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उनको प्रदान की जाती है, ताकि इन सब स्टेक होल्डरों को कंपनी के बारे में, कंपनी के लाभ हानि खातों के बारे में, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, कंपनी ने लाभ कमाया या हानि कमाया, कंपनी के सैंड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, सैंड्री डेटर्स कितने हैं, लोन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, डे टू डे एक्सपेंसेस कितने हैं, सैलरी पर कितना खर्चा हुआ है, तो किन किन मदों में उसको आंतरिक अंकेशन के माध्यम से, मैनेजमेंट ऑडिट के माध्यम से इसको कमी ला सकती है, ताकि प्रॉफिट शेयर बढ़ जाए और कंपनी प्रॉफिट की ओर जाए और उसका लाभ अंशधारियों को डायरेक्ट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।